लेकिन एक चीज मैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को बता देना चाहता हूँ, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा से उनका हक छीन ले और ये चुनाव स्थगित करवा दे। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अविनाश। देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। बीजेपी नेता लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन इस बीच दानिश रिजवान का एक बयान सामने आया है। दानिश रिजवान ने साफ तौर पर कहा है कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि बिहार में चुनाव को रोक दे। ऐसे में आप सबसे पहले दानिश रिजवान का ये बयान सुनिए। देखिए, स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयानबाजी तेज हो रही है। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में पिछड़े अति पिछड़ों को हम स्थानीय निकाय में आरक्षण दे दें। लेकिन एक चीज मैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को बता देना चाहता हूं कि बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जितनी हैसियत और ताकत है लगा ले, लेकिन सूबे में स्थानीय निकाय का चुनाव हो के रहेगा और वो चुनाव पिछड़ों और अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ होगा। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा से उनका हक छीन ले और ये चुनाव स्थगित करवा दे। तो आपने सुना दानिश रिजवान के इस बयान को, उनके इस बयान से ये साफ संकेत हो रहा है कि अब बिहार में नगर निकाय चुनाव नहीं रुक सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब बीजेपी पार्टी सत्ता में थी तो उस समय वो कहाँ थे, उस समय आखिर वो ऐसा बयान क्यों नहीं दे रहे थे, और अब उनको ये लगता है कि बिहार में चुनाव आयोग सरकारी अधिकारी की तरह काम कर रहे हैं जो कि बिहार सरकार की तरफ हैं, अब वो लोग को बड़गलाना चाहते हैं। और इसी बीच राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी एक बयान में कहा है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव जो हो रहा है वो जल्दबाजी और जबरन किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर के आदेश की अवमानना कर जबरदस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर को आदेश पारित कर दिया कि बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसको रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए, उसके बावजूद बिहार सरकार ने आयोग की रिपोर्ट लेकर और चुनाव अधिसूचित कर दिया। दूसरी बात ये कि ये आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि तथाकथित अति पिछड़ा आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? तीसरी बात कि आप पुराने ही आरक्षण के आधार पर चुनाव करा रहे हैं, आपको चाहिए था कि जो रिपोर्ट आई है उसमें नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर और तब आप चुनाव कराते। फिर नए लोगों को चुनाव में भाग लेने से क्यों रोक दिया गया? नए लोग क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? तो देखिए, बिहार सरकार और नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण, अहंकार के कारण पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें।